प्लेस किया है आपने, फिर लकी टॉप है वो। नेहा ये टॉप कब से लकी होने लग गया, देख तो रही हूँ। हाँ मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया है, लकी भी है एंड स्पेशल भी। वाओ बॉयफ्रेंड? हाँ लेकिन आप पापा को मत बताना ना। क्यों नहीं बोलना, तुम बॉयफ्रेंड से शादी नहीं करोगी? आई डोंट नो। ये क्या बात हुई नेहा, अब किसी को जानने के लिए समझने के लिए टाइम तो लगता है ना। क्या मालूम जिसको मैं परफेक्ट लाइफ पार्टनर समझती हूँ वो इम्परफेक्ट हो, श्योर तो होना है ना। अच्छा अब आप ही बताओ, ये लाइफ टाइम का फैसला कुछ ही दिनों में ले लोगे? नहीं, मेरे सारे फैसले अप्पा ही लेते हैं, और वैसे भी मुझे तो किसी लड़के से बात करने में भी डर लगता है। हाँ क्योंकि आप कभी कहीं जाते ही नहीं, अब अप्पा ने मुझे तो जॉब के लिए कभी मना नहीं किया। देख नेहा, अप्पा सोचते हैं तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, मैं एक बार फेल क्या हो गई तो उन्होंने स्कूल बंद करवा दिया, उनको लगा मुझसे होगा ही नहीं। अब अप्पा जो भी बोलते हैं वो मानना तो पड़ता ही है। मतलब अप्पा जिस भी लड़की को बोलेंगे आप शादी कर लोगे? देख नेहा, अप्पा मेरे लिए कोई खराब लड़का तो ढूंढेंगे नहीं, वो जिसे भी पसंद करेंगे वो अच्छा ही होगा। मतलब बिना मिले आप कैसे किसी पर ट्रस्ट कर लोगे? आप बहुत सीधे हो। अच्छा मतलब तू किसी पर ट्रस्ट नहीं करती तो तू क्रिमिनल हो गई। हाँ नहीं। आप लोग देख ही रहे, कोविड के बाद रेस्टोरेंट खोला भी तो अभी धंधा तो कुछ खास हुआ नहीं है। मुझे ये रेस्टोरेंट बंद करना ही पड़ेगा। संजीव सेठ हमारा क्या होगा? अरे सुकुमार दादा मैंने कोशिश किया ना, पूरा किया ना, अभी मेरे लिए चलाना आसान नहीं है। तुम लोग महीने के आखिर तक सब अपनी नौकरी ढूंढ लो, सबका हिसाब हो जाएगा। चलो संजीव आ जा नन्ना। सुकुमार दा 3 फिल्टर कर। अन्ना मैं सीधा पॉइंट पर आऊंगा, अगर आप लोग पैसे के लिए यहाँ पर आए हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अन्ना, मैं हर महीने के आखिर में किश्तों में आपकी रकम चुका दूंगा। संजीव तुम्हारा धंधा चौपट है, ऊपर से तुमने बैंक का लोन भी नहीं भरा है। अन्ना धंधा चौपट है पर गाला तो मेरा है ना, बेच दूंगा लेकिन आपकी पाई भी नहीं रखूंगा अन्ना। वो तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। शिवम ये लोकेशन बहुत अच्छा है, यहाँ पर फिर से अगर होटल खोला जाए तो बढ़िया चलेगा। अंदप्पा अन्ना कुछ प्लानिंग करके आयो? राजन शेट्टी का प्लानिंग कभी फेल नहीं होता। देखो संजीव जब तक तुम्हारी अम्मा थी वो मुझे अपने ब्रदर की तरह ट्रीट करती थी, मैं भी इसलिए तुम्हें उधार देकर हेल्प करता था, लेकिन अभी वो टाइम नहीं रहा, अभी हमें एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। एक मिनट, मतलब आपकी नज़र पहले से मेरे रेस्टोरेंट पर थी, मेरे उधार के बदले आप मेरा गाला हड़पना चाहते हो? अरे संजीव इंचा नेगेटिव थिंक मल पर है बल्ली, नेगेटिव सोच कोरोना से भी बड़ी बीमारी है। हाँ अभी ध्यान से सुनो, तुम्हारा सारा लोन सारा कर्जा जो है वो भूल जाओ, मैं उसे भर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा विश पूरा करना होगा। कैसा विश? श्रुति ये संजीव। हेलो। हेलो थैंक यू। तुम दोनों अगर अकेले में एक दूसरे से बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। चाय? आप तो एकदम नॉर्मल लगते हो, वैसे नहीं दिखते जैसे मैंने सोच लिया। आपने क्या सोचा था मैं कोई 10 सर वाली राक्षस दिखती होंगी? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। थैंक यू। मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कुछ छुपाऊं और आपको लगे कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। मतलब वो कहाँ पर है? वो तो कल से शिरडी गए हुए, हर गुरुवार को मंदिर जाते हैं, हमने उनको फोन लगाया फोन भी बंद जा रहा है। नंबर दो और फिर साफ सफाई करते हैं, फिर 11 बजे शटर लगा देते हैं, उसके बाद श्रुति मैडम अपने घर चली गई। अच्छा आपकी श्रुति मैडम रात को 11 बजे अपने घर गई जी, तो वो यहाँ पर वापस कब आए जो ये सब हुआ उनके साथ? उसके बारे में नहीं मालूम सर हम लोगों को।
सर विटनेस की माने तो रात को 11 से सुबह 8 बजे के बीच ये सब कुछ हुआ है, लेकिन देखकर लग नहीं रहा है ये सुसाइड होगा। श्रुति देवर क्या किया उसने? एक मिनट रुकिए रुकिए, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। अब मेरी बेटी है श्रुति। सर मेरी बहन को मार के भागा है वो, काट दूंगा साले को। ए, पुलिस के सामने मर्डर करने की बात कर रहे हो तुम? बाय द वे किसकी बात कर रहे हो? संजीव और किसकी, मेरी बेटी का निकम्मा पति। देखिए वो गायब है ये हमें पता है, पर वो अपनी बीवी को क्यों मारेगा? ये रेस्तरां मेरी बेटी के नाम पे था, उसे हत्याने के लिए उसने मेरी बेटी को मारा, उसको ढूंढ के अंदर कर दो तुम। देखिए मिस्टर राजन शेट्टी, मुझे आपकी बेटी के लिए बहुत दुख है, लेकिन मुझे मेरा काम आता है, मुझे मेरा काम मत सिखाइए। बाय द वे श्रुति और संजीव शेट्टी की शादी को कितना टाइम हो गया? 11 महीने हुए थे। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रहा हूँ, इसलिए रेस्टोरेंट तो श्रुति के नाम ही होना चाहिए। शादी के एक साल बाद तुम दोनों के बीच सब ठीक रहा तो श्रुति रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम कर सकती है। तो ये रेस्टोरेंट अभी भी श्रुति के नाम पे है या फिर संजीव ने अपने नाम पर करवा लिया? श्रुति बहुत सीधी थी, संजीव ने चालाकी से ये रेस्टोरेंट अपने नाम पर किया होगा और फिर उसको मार कर भाग गया। श्रुति ये मेरी अम्मा, साल भर पहले कोविड ने इन्हें मुझसे छीन लिया था। सुना था मैंने आपको बहुत याद आती होगी ना इनकी। जब अम्मा चली गई थी तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी जिंदगी मुझसे छिन गई हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सदमे के बाद मैं आज इतना अच्छा दिन भी देखूंगा। वैसे आज आपका इसलिए भी अच्छा दिन है क्योंकि आपके सारे लोन चुक गए। ये तो तुम्हारे अप्पा का रहम है, पर कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे अप्पा ने मुझ पे रहम करके तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी की? मेरा मतलब है कि तुम्हारे लिए तो लड़कों की लाइन लगी होगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए उन्होंने सबको छोड़कर मेरे जैसे फेलियर इंसान को चुना। अप्पा का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता, उन्होंने आपको चुना है, कुछ देख कर ही चुना होगा। आपको अपना फैसला गलत लगा है अप्पा? अक्का को संजीव जीजू से कोई प्रॉब्लम होती तो वो मुझे बताती, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो जीजू के साथ खुश नहीं थी। नेहा तू जानती है ना श्रुति बहुत सीधी थी, संजीव की बुरी नीयत पढ़ ही नहीं पाई वो। तुम दोनों ने भी मिल के चालबाजी की संजीव जीजू के साथ, आप लोगों ने खेल बना दिया था अक्का की जिंदगी को। चुप कर, मैं तो बस चाहता था कि श्रुति की जिससे शादी हो वो कभी उसके भोलेपन का फायदा उठा के उसको दबाए ना, इसलिए मैंने संजीव को अपने एहसान तले दबाया। लेकिन क्या हुआ अप्पा, सिर्फ जीजू ने नहीं आप दोनों ने मिलके जान लिया अक्का की। ऐसा मत बोल, मैं भी प्यार करता था श्रुति को। दिव्या यहाँ पे क्या कर रही है? तुम्हें अगर डाउट है ना तो अभी मर के दिखा देता हूँ, फिर पछताती रहना पूरी लाइफ, देखना गिल्ट में रहना पड़ेगा तुम्हें। स्टीवन प्लीज एक ड्रामा बंद करो, पहले कहो तुम मुझसे प्यार करती। मैंने कब कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करती? लेकिन शादी नहीं करना चाहती मुझसे है ना? तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझोगे स्टीवन। पहले बताओ क्यों शादी नहीं करना चाहती, क्या प्रॉब्लम क्या है? पापा कभी राजी नहीं होंगे स्टीवन। तो तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं पापा से बात करता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं तो पापा को बता भी नहीं सकती कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मतलब एक चांस भी नहीं ले सकती मेरे लिए सिर्फ तुम्हारे कहने पर। लेकिन अगर पापा कन्विंस नहीं हुए तो तुम्हें ये ड्रामा बंद करना पड़ेगा और हमें अलग होना पड़ेगा। सर श्रुति की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रेप कंफर्म है। टाइम ऑफ डेथ? रात को 1 बजे से 4 बजे के बीच। संजीव का कुछ पता चला? नहीं सर कुछ पता नहीं चला, उसका फोन ट्रैकिंग पे डाला है, उसके नेबर्स ने बताया कि वो वाकई में हर महीने के लास्ट गुरुवार को शिरडी जाता है और उस दिन उसका फोन बंद ही रहता है। ऐसी भी क्या पूजा पाठ करता होगा कि पूरा दिन फोन बंद रखता है। शिरडी में संजीव के बारे में इंक्वायरी करो और रेस्टोरेंट में जो वर्कर्स हैं उनके बारे में कुछ पता चला? जी सर, होटल में टोटल 3 स्टाफ हैं, ये सुकुमार शेफ हैं और इसके साथ 2 वेटर्स हैं, लेकिन तीनों की कुंडली क्लीन है। रेस्टोरेंट अब भी श्रुति का नाम है सर, मैंने चेक किया है, और ये राजन शेट्टी कोविड से पहले संजीव के रेस्टोरेंट को खरीद के उसके बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता था और संजीव ने पहले भी उसे रेस्टोरेंट बेचने से मना किया था। लेकिन इस बार श्रुति की संजीव के साथ शादी करवा कर रेस्टोरेंट श्रुति के नाम पे करवा दी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्रुति की शादी संजीव के साथ करवा कर ये कोई गेम प्लान किया गया?
इधर श्रुति गई, एक तीर से दो निशान। सर राजन उसके बेटे की कुंडली निकालो। ओके सर। और सर ये सुकुमार के मुताबिक श्रुति रात को 11 बजे अपने घर वापस गई, लेकिन टाइम ऑफ डेथ यानी कि रात को 1 बजे श्रुति वापस रेस्टोरेंट में थी और उसकी कार भी रेस्टोरेंट के पास पार्क में थी। श्रुति के पास लर्निंग लाइसेंस था, वो खुद ड्राइव करके होटल से रात के 11 बजे घर गई और घर से रात के 1 बजे वापस रेस्टोरेंट गई। लेकिन श्रुति रात के 1 बजे रेस्टोरेंट वापस क्यों गई होगी? वो अपनी मर्जी से गई या फिर किसी ने बुलाया उसको? मैं जो गलत करूंगा तुम उसे ऐसे चुपचाप सही करती रहोगे? कुछ बोलना सीखो। बोलना सीखूं? पर बोलना तो मुझे आता है। तो फिर बोलो, कपड़े ऐसे मत फेंका करो, ये ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है। तुम इतनी अच्छी क्यों हो? आपको किसी बुरी लड़की से शादी करनी थी? ओफो, तुम भी ना। अच्छा सुनो, कल गुरुवार है, मैं शिरडी जाऊंगा, सैटरडे मॉर्निंग तक आ जाऊंगा, ठीक है? और फोन बंद रखेंगे, मुझे मालूम है। और मैं भी अप्पा के घर चली जाऊंगी 2 दिन के लिए। मैं सोच रहा हूँ नई कार ले लूँ, तुम लोगों को क्या लगता है? अब मैं क्या बोलूँ अप्पा, आप नेहा और अन्ना से पूछ लीजिए। नीला था, मैं इन लोगों से ही पूछ रहा हूँ, तुझसे नहीं। रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है अप्पा, आज वहाँ पर कोई है भी नहीं, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से खाना खाकर चली जाती हूँ। तुम्हारे भाई बहन को नई कार मिल रही है, तुम मेरी ओल्ड कार ले लो। नहीं अप्पा। ये संजीव कभी मोटरसाइकिल से आगे बढ़ेगा नहीं। अप्पा चलाएगा कौन, इसको ड्राइविंग आती नहीं और मेरा निकम्मा जीजा तो। अन्ना आप प्लीज उनके बारे में ऐसे बात ना किया करें। श्रुति गुगू में जबान आ गई है, संजीव का असर है। दिव्या आ भी गई तू, आओ आओ। आप पापा आज स्टीवन है सर, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज भले मैं एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, लेकिन कल मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में भी काम करूँगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ सर, मैं दिव्या का बहुत बहुत ध्यान रखूँगा। स्टीवन तुम्हें जो बोलना था बोल दिया, अब मैं मेरी बेटी से बात करना चाहता हूँ, अब जा सकते। दिव्या तुम शादी करना चाहती हो इससे? हाँ पापा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी परमिशन से। सर मैंने श्रुति का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, हत्या वाली रात रात को 11 बजे उसने एक मोटर ड्राइविंग स्कूल में कॉल किया था सर, विलास दुबे नाम है उस आदमी का। लेकिन वो मोटर ट्रेनिंग वालों को रात के 11 बजे फोन क्यों करेगी? शाम को आइएगा। सर क्या बात है? वो क्या है कि ड्राइविंग सीखनी है आपसे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रेनिंग आप सिर्फ महिलाओं को ही देते हो, वो भी रात के 11 बजे? सर अभी क्या कह रहे हैं मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। श्रुति शेट्टी की आखिरी बार बात तुमसे हुई थी उसके मर्डर से पहले रात के 11 बजे, क्या बात हुई थी? अरे सर वो कन्फर्म करने के लिए कि वो कल क्लास में आ रही है कि नहीं। ये रात के 11 बजे कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं क्या? और कितने लोग हैं जिनकी क्लासेस रात के 11 बजे लेते हो? देखिए सर हम आपको अपने कस्टमर के सारे कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, अगर उनमें से एक भी कोई हमारे खिलाफ एक भी अपशब्द बोलेगा ना तो आपका डंडा और हमारा सर। और रही बात श्रुति जी की, तो हाँ हम उनकी क्लास लेते थे रात के 11 बजे, पर उनके कारण वो दिन में घबरा जाती थी ट्रैफिक देख के। हर सवाल का जवाब तैयार करके रखा है पहले से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने रेप करके? हाँ बात कर रहे हैं, हम क्या रेपिस्ट लग रहे हैं क्या? देखने और सुनने में कई दरिंदे आम इंसान की तरह ही लगते हैं, हमसे बिना पूछे शहर छोड़ के मत जाना। तो तूने मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिया। मैंने पहले क्लियर कर दिया था ना, अगर पापा रिजेक्ट करेंगे तो हम दोबारा नहीं मिलेंगे, तुम्हारे कहने पे गए थे ना मिलने, अब रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो ना? फिर वही बात,
स्टीवन, मैं मेरे पापा के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ, तो प्लीज भूल जाओ मुझे। सर मैं भागा नहीं था सर, मैं तो हर महीने शिरडी जाता हूँ, दो दिन से सर मैं वहीं था। लोकल पुलिस पिछले तीन दिनों से ढूंढ रही थी तुझे शिरडी में, ना तू मिला ना तेरा फोन, मार्केट के देखकर मंदिर तक कहीं नहीं था तू। पहले तो आप लोगों को कोई हक नहीं है मुझे यहाँ पे उठा के लाने का, मैंने क्या किया है बताएं? क्या किया तूने? अपनी बीवी का रेप करवाया, फिर मरवाया उसे, और वैसे नाटक कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। रेप, मर्डर, जितनी जल्दी ये नाटक बंद करेगा ना उतना अच्छा है तेरे लिए। राजन शेट्टी ने तेरा रेस्टोरेंट अपनी बेटी श्रुति के नाम करवा दिया था, यही बात खटक रही थी ना तुझे, इसलिए मरवाया ना तूने श्रुति को। सर ये क्या बोल रहे सर आप? सर श्रुति खुद मेरे नाम पे रेस्टोरेंट करना चाहती थी सर। सिर्फ दो महीने और रेस्टोरेंट तुम्हारा। कैसी अजीब लड़की हो तुम, तुम्हारा नहीं हो रहा है इस बात की बहुत खुशी है तुम्हें? नहीं, तुम्हारा रेस्टोरेंट तुम्हें वापस मिल रहा है इस बात से खुश हूँ। पता है तुम्हें, तुम्हारे अन्ना और तुम्हारे अप्पा इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं तुम्हें। ऐसे मत बोलो संजीव, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। वाह, क्या कहानी बनाई है तुमने। मजबूरी की शादी और मजबूरी की शादी में ढेर सारा प्यार, ये हर महीने शिरडी जाना ना सोची समझी साजिश थी तेरी, ताकि जब तू बाहर हो उस वक्त तू किसी को सुपारी दे सके श्रुति को मारने की, किसी को शक भी ना हो तुझ पे। सर मैं दूंगा श्रुति की सुपारी। वेट कर, जिसको सुपारी दी है ना तूने उसको भी बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। चिंटू अंदर इतना काम पड़ा हुआ है, तू बाहर क्या कर रहा है? अंदर जाके क्या करूंगा मैडम, साहब ने मुझे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? मेरे साथ चल अंदर, मैं बात करती हूँ, चल। अब बताओ पूरी बात, क्या हुआ था? मैडम मैं अपना काम कर रहा था, संजीव साहब आए और मुझे उल्टा सीधा कहने लग गए, बोले कि तू चोर है, काम चोर है और भी बहुत कुछ। मैडम मेरे घर में माँ है, छोटे भाई बहन है, मैं कैसे संभालूंगा उन्हें? मैडम मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैंने चोरी नहीं की। रोना बंद करो, उठो खड़े हो, बहुत सारा काम पड़ा है, काम पर लगो तुम और मैं संजीव सर से बात करूंगी। पर सुनो, आगे से ना कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, और तुमने काम में कोई ढिलाई की ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। देख नहीं मैडम बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करूंगा। शेड्डीज का बैकग्राउंड निकाला सर, ये शिवम राजन का बेटा, इसने एक फाइनेंसर बनके बहुत पैसा लगाया लेकिन सब डूब गया, जिसकी वजह से इनके ऊपर कर्ज हो गया। इसने एक बिल्डिंग कंपनी भी शुरू की पर वो भी ठप हो गई। इसका मतलब ये है कि इन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, अगर रेस्टोरेंट श्रुति के नाम पर रहता तो उनको फायदा होता, लेकिन हो सकता है श्रुति रेस्टोरेंट संजीव के नाम करना चाहती हो जिसमें श्रुति के फादर और भाई को एतराज। फिर भी सर क्या घर वाले अपनी ही घर की लड़की का रेप करवाएंगे? मुझे ताज्जुब नहीं होता, इतने सालों की सर्विस में मैंने देखा है कि मुजरिम किसी भी हद तक जा सकता है। चलिए खाना खा लीजिए। मुझे खाना नहीं खाना है, तुम खा लो। क्या हो गया संजीव, खाना क्यों नहीं खाएंगे? जब मैंने चिंटू को नौकरी पे से निकाल दिया था तो तुमने उसे नौकरी पे क्यों रखा वापस? संजीव वो रो रो कर मेरे पास आया था। ओके, मैं तो भूल गया था कि रेस्टोरेंट तो तुम्हारा है, तुम जब चाहे तब स्टाफ रख सकती हो, तुम जब चाहे मेरे डिसीजन को गलत दिखा सकती हो, तुम जब चाहे तब स्टाफ के आगे मुझे नीचा गिरा सकती हो, है ना? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, वो रेस्टोरेंट हम दोनों का है। संजीव मुझे सच में नहीं पता था कि बात इतनी बड़ी हो जाएगी। तो फिर अगर हम दूसरों के सामने एक दूसरे को गलत दिखाएंगे तो स्टाफ तो हमारा फायदा उठाएगा ना? संजीव सच में मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। अपा अपा, वकील से बात हो गई है, रेस्टोरेंट पर हमारा सॉलिड क्लेम बनता है।
बस एक बार संजीव पर आरोप साबित हो जाए ये रेस्टोरेंट हमारे नाम ही होगा। अक्का को गए हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, आप दोनों गिद्ध की जैसे उनके रेस्टोरेंट पे टूट गए। यही आप दोनों का असली चेहरा है ना, आपकी वजह से अक्का की जान चली गई। प्लीज मेरे तमाशे मत बनाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता दिव्या। देखो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम सिर्फ मेरे साथ चलो ना। दिव्या। जी पापा। ये देख, मेरे दोस्त का लड़का है हेमंत, अपनी बिरादरी का ही है और उसका फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस है, तू राज करेगी वहां पे। आपने स्टीवन से शादी के लिए मना किया, मैं मान गई, इसका मतलब ये नहीं मैं किसी से भी शादी कर लूंगी। संजीव पिछले 11 महीने से शिरडी जा रहा है, उसकी शादी को भी 11 महीने हुए। उसके होटल स्टाफ का कहना है कि शादी से पहले वो शिरडी नहीं जाता, तो फिर शादी के बाद उसके अंदर ऐसी क्या भक्ति जाग गई कि वो हर महीने शिरडी जाने लगा। सर रेस्टोरेंट स्टाफ में चिंटू नाम का लड़का था सर, उसका केस काफी अजीब है। संजीव उसे नौकरी से निकालता था और श्रुति उसे वापस नौकरी पर रख लेती थी। हाँ तो सर स्टाफ से पता चला है कि श्रुति और संजीव का इस चिंटू की वजह से काफी झगड़ा होता था। चिंटू को तो जानता ही होगा। जी मेरा स्टाफ था, चोरी की थी तो मैंने नौकरी से निकाल दिया था। फिर श्रुति ने उसे काम पर रख लिया था, लेकिन इसके बाद तूने फिर से उसे काम से निकाल दिया। हाँ लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि चिंटू का कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं डाउट है कि वो फरार है। इसका मतलब चिंटू ने श्रुति को। ए, इतना मासूम मत बन। चिंटू एक हिस्ट्री शीटर है, कई केसेस हैं उस पे चोरी के लूट के, लेकिन इसके बावजूद तूने उसे काम पे रखा। सर मुझे उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम था, और वैसे भी रेस्टोरेंट चलाना कितना मुश्किल है सर, अगर मैं हर किसी की ऐसे हिस्ट्री चेक करने बैठा। नहीं नहीं चल ठीक है, हमने मान लिया कि तुझे उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम, पर तूने तो उसकी चोरी पकड़ी थी ना, फिर रिपोर्ट क्यों नहीं की? मैं बताऊं क्यों नहीं की? ताकि बाद में तो चिंटू का फायदा उठा सके, श्रुति को उससे मरवा सके। क्या? हाँ, तूने चिंटू से श्रुति को मरवाया ताकि तुझ पे किसी को शक ना हो कि चिंटू से तूने श्रुति को मरवाया। सर, आपको मुझ पे यकीन नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप चिंटू को ढूंढ लीजिए, वहां से आपको सारा सच मालूम पड़ जाएगा। सर चिंटू अपने पुराने एड्रेस से फरार है, हम उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव का रवैया ऐसा था जैसे उसे पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हम चिंटू को नहीं ढूंढ पाएंगे, शायद चिंटू इस मर्डर की गुत्थी सुलझा सके। ढूंढो उसको। सर श्रुति की पिछले 2 महीने की फोन लोकेशन और GPS चेक किया तो एक अजीब बात पता चली, घर रेस्टोरेंट और ड्राइविंग रूट के अलावा श्रुति का ट्रेवल रायगढ़ तक मिला है। रायगढ़? जी हाँ सर, जबकि श्रुति की फैमिली का, संजीव का और श्रुति के स्टाफ का रायगढ़ से दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। पिछले महीने तो श्रुति ने कई बार रायगढ़ के चक्कर भी लगाए, वो पूरा एक दिन के लिए रुकी थी वहाँ। सर श्रुति ने 1 महीना पहले ही ड्राइविंग क्लास ज्वाइन की थी, अब 1 महीने में वो इतनी परफेक्ट ड्राइवर तो नहीं हो सकती कि अकेले ड्राइव करके रायगढ़ तक चली जाए। शर्मा ग्राउंड लेवल पे इन्वेस्टिगेट करो, वहां से कुछ हाथ लगेगा। ओके सर। किससे मिलने आपको? सर आप तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, कितनी बार बताया आपको कि हम श्रुति जी को सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाना सिखाते, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा तो तेरे कहने का मतलब यह है कि तू इतना अच्छा ट्रेनर है कि 10 दिन के अंदर तूने श्रुति को इतनी अच्छी ड्राइविंग सिखा दी कि वो हाई पर अकेले कार ड्राइव करते हुए रायगढ़ तक चली गई। वो हम नहीं जानते सर, हम बस इतना जानते हैं कि हम उनके साथ रायगढ़ नहीं गए थे। अब ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और के साथ गई हो। कायरे बार पूरा दिन मोबाइल पे लगा रहता है, तेरा बाप तो है ही निकम्मा, अब तू उसके नक्शे कदम पर मत चलना। कुछ भी बोल रहे हो आप। तेरे बाप को तेरे आजोबा ने बिगाड़ा था, तुझे पता है पहले तेरे आजोबा गांव के साहूकार थे, 50 एकड़ की जमीन और सोना चांदी सब कुछ था हमारे पास, लेकिन तेरी आजोबा की बुरी आदतों की वजह से सब कुछ बिक गया, और मैं नहीं चाहती
कि तेरे बाप की तरह तुझे भी कोई बुरी आदत लगे। क्या आई, तेरे को 100 बार समझाया ना, ये तेरे रंगीन हसीन सपनों की कहानी सनी को मत सिखा कर। अरे वो मेरा बेटा है, मेरा मेरे जैसा बिंदास बनेगा। ए दादू, पढ़ाई कर जा। सर रायगढ़ की लीड फॉलो की है, विलास सच कह रहा था, उसके फोन की लोकेशन वहां की नहीं थी। फिर भी नजर रखो, टेढ़ा करेक्टर लगता है, और सिर्फ उस दिन की नहीं, पूरे 2 महीने की लोकेशन निकाल, फिर देखते हैं। ये संजीव की शिरडी से लीड मिल गया सर। ये संजीव शिरडी पहुंचते अपना फोन ऑफ करता था और बस अड्डे के पास ऑरेंज स्टार नाम से होटल है, वहां स्टे करता था। और ये भी पता चला है कि उस होटल की रिसेप्शनिस्ट मीनाक्षी साठे इसकी गर्लफ्रेंड है। मतलब शिरडी ये पूजा करने नहीं जाता था, बल्कि इश्क लड़ाने जाता था मीनाक्षी साठे के साथ। यस सर, लोकल पुलिस को बोला है मीनाक्षी को उठाने के लिए, इंक्वायरी के लिए। संजीव, तुमने बोला था लॉकडाउन हटते ही तुम मुझसे शादी कर लोगे, और अब फिर मना कर रहे हो। मीनाक्षी, सब खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया है? ये कोविड ने सबकी जिंदगी को उजाड़ दिया है, इसी ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को भी उजाड़ दिया है। ये तुम क्या बोल रहे हो संजीव? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? देखो मीनाक्षी, अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दे पाऊंगा? तुम खूबसूरत हो, तुम अभी यंग हो, तुम्हें मुझसे बेटर लड़के मिल जाएंगे, तुम अब मुझे भूल जाओ। मीनाक्षी ना तो भूलती है और ना ही भूलने देती है, समझे? मैं तुमसे ही शादी करूंगी। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अपनी पत्नी का खून किया। अकेले किया या फिर दोनों ने मिलकर किया? ये क्या बकवास है, मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, और मैं इसकी जिंदगी में तब से हूं जब श्रुति भी नहीं थी। मुझे धोखा देकर इसने श्रुति से शादी की थी। धोखा नहीं था, मजबूरी थी, और अगर श्रुति से शादी नहीं करता तो रास्ते पे आ जाता मैं। तो तूने अपनी पत्नी श्रुति को रास्ते से हटाकर अपनी प्रेमिका को पाने की सोची? नहीं सर, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था श्रुति को मारने के बारे में। मैंने तो उसको भी पहले बता दिया था कि मीनाक्षी मेरी लाइफ में। मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कुछ छुपाऊं और आपको लगे कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने मीनाक्षी को शादी के लिए मना किया। मीनाक्षी मेरी गर्लफ्रेंड, लेकिन आपके अप्पा चाहते हैं कि मैं आपसे शादी कर लूँ, और जब आपने शादी के लिए हाँ की तो श्रुति, मैं चाहता हूँ कि मैं रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाऊँ। आप काफ़ी ऑनेस्ट हैं। श्रुति भी अपने अप्पा का फैसला नहीं डाल सकती थी, लेकिन सर वो मेरे साथ खुश थी। वाह, मतलब तू लगातार अपनी प्रेमिका से मिल रहा था, इससे तेरी पत्नी श्रुति खुश थी, इससे बड़ा झूठ हो सकता है कुछ? लेकिन सर मैं सच बोल रहा हूँ, अब आप यकीन करो या ना करो। ज्यादा शड़ा मत बन, एक के बाद एक धागे खुलते जा रहे हैं तेरे। इसको क्यों मार रहे हो? ये सब उस डायन का किया हुआ है ताकि हम फंस जाए और वो मर के भी हमसे बदला ले सके। एक लड़की तुमसे बदला लेने के लिए पहले अपना रेप करवाएगी, फिर खुद ही खुद को मरवाएगी भी, तुम्हारी समझ में भी आ रहा है कि क्या बोल रही हो तुम? रायगढ़ से एक लीड मिली है सर, श्रुति वहां किसी सुनीता शोटकर से मिलने गई थी। सुनीता शोटकर? जी सर। काफी एजेड लेडी थी, लेकिन काफी टाइम पहले उसकी डेथ भी हो गई। लेकिन श्रुति वहां गई क्यों थी? पता नहीं सर, सुनीता के घर पे काफी टाइम से ताला लगा हुआ, सुनीता की डेथ के बाद पूरी फैमिली ने गांव छोड़ दिया था। सुनीता शिरोडकर, उसकी फैमिली से श्रुति का क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनीता शिरोडकर कौन है संजीव? मैं किसी सुनीता को नहीं जानता हूं सर। मर्डर से 1 महीना पहले श्रुति सुनीता शिरोडकर से मिलने रायगढ़ गई थी। राजन शेट्टी की मेमोरी हाथी जैसी है, मैं नाम पहली बार सुन रहा हूं। एक्सक्यूज मी, आपको जानती हो सुनीता के बारे में? नहीं। ओके।
सर आपका शक सही था, विलास कुछ तो छुपा रहा है, क्योंकि रायगढ़ जाने के 3 दिन पहले श्रुति और विलास के फोन का लोकेशन बोरीवली से मीरा रोड के बीच का था। उसके बाद विलास ने मीरा रोड से बसई ट्रैवल किया है, जबकि श्रुति का फोन मीरा रोड में ऑफ हो गया था। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि शायद विलास श्रुति को वसई लेकर गया? हाँ सर, क्योंकि विलास का फोन 3 घंटे तक वसई में ऑन था और उसी समय श्रुति का फोन ऑफ था। तो तू श्रुति को वसई लेकर गया था? साहब हम उन्हें कहाँ लेकर गए थे, वो खुद जाना चाहती थी वहाँ। उन्होंने हमसे कहा था कि उनका ड्राइविंग पर हाथ कच्चा है, इसलिए वो चाह रही थी कि हम भी उनके साथ चले। श्रुति वसई में कहाँ लेकर गई थी तुझे? विलास जी यहीं रुके हैं। सर उनके पास एक डायरी थी, उसमें एड्रेस लिखा हुआ था। पक्का साहब वो वहीं कहीं होगी उस एड्रेस पर। हमें वो लोकेशन बता जहाँ पर श्रुति ने तुझे वेट करवाया था। जी कविता, लेकर जाओ उसको। सनी क्या हुआ, इतना उदास क्यों है तू? दादी का बर्थडे है आज, आप तो भूल ही गए होंगे उनको। एक उम्र होने के बाद सब चले जाते हैं, वो भी चली गई। लेकिन कोई भी बेटा अपनी आई के जाने के बाद अपना नाम नहीं बदल लेता। तो तू भूलेगा नहीं अपनी दादी को? हाँ सर, ये सुनीता शोर्डर के बारे में कुछ और छानबीन की है। ऐसा लग रहा है कि उसकी मौत मौत नहीं थी, एक मर्डर था। मतलब सुनीता के एक नेबर का कहना है कि उसने कुछ देखा था। काम छोड़ के वो गया का? यही तो पता नहीं चल रहा सर। दिनेश का फोन पिछले 1 साल से बंद है। 1 साल से दिनेश का फोन बंद है? सर श्रुति का फोन हमें क्राइम सीन से मिला था, मैंने इसका फोन एक बार फिर से चेक किया। जिस दिन श्रुति सुनीता से मिली उसके घर गई थी, उस दिन श्रुति ने दिनेश को भी कॉल किया था। ये श्रुति की कॉल हिस्ट्री में दिनेश का नंबर शो हो रहा है, ये देखिए। और दिनेश का फोन नंबर लगा नहीं होगा क्योंकि 1 साल से बंद था, इसलिए वो श्रुति के CDR में नहीं आया। जी सर। इसका मतलब ये है कि सुनीता शिरोडकर की फैमिली के बारे में कुछ तो ऐसा था जो श्रुति जानती थी। सर कहीं संजीव भी तो हमसे कुछ नहीं छुपा रहा है, क्योंकि श्रुति ने दिनेश को फोन करने के बाद डायरेक्ट संजीव को कॉल किया था। सर मैं आपको ऐसा क्या बोल दूं कि आप मुझ पर यकीन कर लो? हमें पता चला श्रुति के पास एक डायरी थी जिसमें वसई का एड्रेस था जहां पर वो विलास के साथ गई थी। देखा कर बाद में हमें पता चला ना कि तुझे पता था और तूने हमें नहीं बताया। सर एक मिनट, अभी समझ में आया, ये उसी डायरी का चक्कर है सर। क्या चक्कर, कौन सा चक्कर? कितने बड़े झूठे निकले तुम संजीव। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मीनाक्षी नहीं, दिव्या शाह, सुनीता शिरोडकर, ये सब भी थी तुम्हारी लाइफ में। ये क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो? ये फिर उनके नाम के आगे ये सॉरी क्यों लिखा है? ये मैंने नहीं लिखा है और ये डायरी मेरी नहीं है। संजीव मुझे ये डायरी तुम्हारी डेस्क से ही मिली है। ओ श्रुति, मैंने ये डेस्क सेकंड हैंड खरीदी है, हो सकता है इस डेस्क के साथ आ गई ये डायरी। और सर श्रुति की तसल्ली के लिए हम वो फर्नीचर शॉप पे भी गए थे, लेकिन वहाँ जाके पता चला वो फर्नीचर वाले को कोविड हो गया था और उसकी डेथ हो गई। उसकी फैमिली ने भी वो शॉप बंद कर दी थी। सर पता ही नहीं चला कि वो सेकंड हैंड डेस्क किसका था। फिर कहानी बना रहे थे? सर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो फर्नीचर वाले की फैमिली से पूछ लीजिए। डायरी कहाँ है? डायरी नहीं पता सर, वो श्रुति ने कहीं रखी होगी। मैडम श्रुति मैडम हमें यहीं लेकर आई थी और उस तरफ गई थी। ये दिनेश शिरोडकर की फोटो उसके पंचायत ऑफिस से मिली है। ये फोटो सब जगह सर्कुलेट करो, इसकी मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। बस ऐसे कोई लीड मिली? नहीं सर, और चिंटू का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। श्रुति को मारने के बाद लटकाया गया और सुनीता की बॉडी भी उसके घर में लटकी हुई मिली। पिछले 2 साल में जितनी भी वसई में अननेचुरल डेथ्स हुई हैं उन सबकी लिस्ट बना और वसई में श्रुति की जो लोकेशन थी विक्टिम के एड्रेस के साथ 0 डाउन करो। जरूर हमारे हाथ कुछ लगेगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश है। बस हमें मोहरा और मास्टरमाइंड का पता करना है। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके हाँ चलिए। पास ही पूरा वही पैटर्न, लड़की का नाम दिव्या शाह है, ये देख। सर मेरी बेटी को मरे हुए अरसा हो गया और उस वक्त पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो फिर इस पूछताछ का क्या मतलब? मिस्टर शाह रूटीन चेकअप है, आप घबराइए ना। आप हमें ये बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ।
होना क्या था सर, कच्ची उम्र थी और उसे एक लड़के स्टीवन से प्यार हो गया। स्टीवन ने मेरी बेटी को धोखा दे दिया और वो उसे सह नहीं पाई। मिस्टर शाह, आप श्योर हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया था? सुसाइड नोट था वहाँ और पुलिस और सबका यही मानना है, लेकिन मैं अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ किया होगा। अच्छा मिस्टर शाह, आपकी बेटी इनमें से किसी को जानती थी? वो इनमें से किसी को नहीं जानती थी। सर, जिसे हम तीन अलग अलग कत्ल समझ रहे थे वो तो असल में लंबी लाशों की लिस्ट में से तीन है। मतलब? ये देखिए सर, सेम मॉडस ऑपरेंडी से हुए 12 कत्ल हैं, कोई 10 साल पहले, कोई 6 साल पहले, हर कत्ल में तकरीबन 3 साल का गैप है सर। मतलब ये किसी रंजिश का नहीं बल्कि सीरियल किलर का काम है। इन केसेस में कोई लीड मिली थी? नहीं सर। हाँ, लेकिन एक केस में क्रिमिनल का स्केच बनवाया था एक विटनेस ने, पर इसका कहीं पता नहीं चला। ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है। शर्मा, इसको गौर से नहीं देखा तुमने? ये तो वही है। सुकुमार उर्फ अब्दुल, सालों पहले कई कत्ल किए थे तूने और अब यहाँ नाम बदलकर शेफ की नौकरी कर रहा था। हाँ साहब, हम यही करते थे, सुपारी लेते थे और लोगों को मार देते थे। जब तक मैं अपने शिकार को लटका नहीं देता था तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता था। मेरी माँ गरीबी की वजह से लटक के मर गई, इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया। जब मैं बूढ़ा हो गया ना तो मैंने ये काम छोड़ दिया। काम छोड़ दिया था मतलब? हाँ साहब, कोविड आने की वजह से मेरे मालिक का रेस्टोरेंट बंद हो गया, मैं भी परेशान हो गया और वो भी परेशान हो गया। तेरा मालिक संजीव शेट्टी? उसके यहाँ मैं अब्दुल से सुकुमार बनकर रहने लगा। बहुत भला आदमी था, मुझे अपने बाप की तरह मानता था, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया। मैंने उसको बोला 2 कत में ही उसका कर्जा अदा कर सकता हूँ। सर, मैं कर्जे से तंग आ गया था इसलिए मान बैठा उनकी बात। दिव्या के मर्डर के पैसे तो हमारे पास आ गए थे। जब श्रुति रायगढ़ और वसई जाकर के सुनीता और दिव्या के बारे में पता करने लगी तो मैं डर गया। मुझे लगा कि मैं फंस जाऊंगा। मैंने श्रुति से कहा कि मैं संजीव के सारे राज बता दूंगा सुनीता और दिव्या के बारे में। उसके बाद वो रेस्टोरेंट आई, गॉड, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि श्रुति मर्डर केस के गर्त में से इतने गड़े मुर्दे बाहर निकलेंगे। सर, ये केस अगर हमारे हाथ में नहीं आता तो शायद इस सीरियल किलर अब्दुल का कभी पता ही नहीं चलता। और सर, अफसोस की बात तो ये है, श्रुति जो कुछ सोच रही थी उस बारे में उसने संजीव के अलावा अगर अपनी बहन और फैमिली को बताया होता तो ये राज तो कब के बाहर आ जाते और सर उसकी मौत भी नहीं होती। जिस तरह से राजन ने थोड़े से लालच के लिए अपने फैसले श्रुति पर थोपे, ऐसे में अक्सर बच्चे बड़ी बड़ी बातें अपने बड़ों से छुपा जाते हैं। श्रुति को ट्रस्ट था कि हमेशा उसके पिता ने उसके लिए सही फैसला लिया है। वहीं दूसरी तरफ संजीव की असलियत गुनाहों के गर्त में दबी थी। कहने का तो ये दुनिया भरोसे पर टिकी है, पर कई बार लोग गलत लोगों पर भरोसा करके ऐसे गुनाहों का शिकार बन जाते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.